हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का दो ठो रूल जो बाकी था 5 और 6 वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 4 रूल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द रूल नंबर 5। कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट। प्रिजन और जेल का मीनिंग करीब करीब सेम ही रहता है। ये भी बंदी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, प्रिजन मतलब पिंजरा टाइप का, और जो जेल तो हो गया नॉर्मली जहां पे इंसानों को कैदी बनाकर रखा जाता है। कोर्ट, बेड, मार्केट, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग यदि मौलिक अधिकार के लिए हो। मौलिक अधिकार मतलब होता है जो हम लोग का बेसिक राइट है, जो हम लोग का बेसिक राइट है उसके लिए हो। इन सभी का तो ये सब क्या है, हम लोग का क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन को हेल्प करने के लिए ये सब जो है इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो है मौलिक अधिकार हम लोग जोड़ रहे हैं। तो अगर उसको मौलिक अधिकार के लिए यूज़ करेंगे तो आर्टिकल के पहले, सॉरी, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, ये रहा हम लोग का आज का टॉपिक का पॉइंट, यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए पहला नंबर एग्जाम्पल है, आई गो टू स्कूल दिल्ली। ओके, तो स्कूल जो है हम लोग का नाउन है, समझ में ही आ रहा है। और ये जो है यहाँ पे मौलिक उद्देश्य के लिए यूज़ हम लोग किए हैं, यानी कि बेसिक जो नेसेसिटी है, बेसिक राइट है, उसके लिए यूज़ हो रहा है। आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, आई गो टू द स्कूल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है वो सभी के यूज़ के लिए होता है। ओके, ये सिविलाइजेशन के जो पीपल है उन सब के हेल्प के लिए रखा हुआ रहता है। तो इसलिए जो हॉस्पिटल हो गया वो मौलिक उद्देश्य के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, यानी कि बेसिक राइट के लिए। तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं किए हैं, राइट। इसके आधारित कॉम्पिटिशन निज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है। पहला एग्जाम्पल है, द मोमेंट विग्नेश वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। जिस समय विग्नेश एडमिशन ले लिया हॉस्पिटल में, उसी समय वार्डन जो है डिसाइड किया उसके पेरेंट्स को बता देने के लिए। तो पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा पार्ट है जो गलत है। तो जो पार्ट बी है वो हम लोग का बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के पहले द का यूज बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही यूज क्या हो जाएगा, करेक्ट यूज, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। क्योंकि कोई भी अगर इंजर्ड होता है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल में ही जाता है। और ये जो यहाँ पे मौलिक उद्देश्य के हिसाब से यूज किया जा रहा है, तो इसलिए एडमिटेड टू हॉस्पिटल इज द करेक्ट यूज। तो इसमें पार्ट बी जो है एकदम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, द रॉबर्ट्स वेयर कॉट जस्ट एज दे वे अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। जो डाकू है यानी कि रॉबर्ट्स, वो लोग पकड़े गए पुलिस के द्वारा, जैसे ही वो भागने लगे जेल से उसी वक्त वो लोग पकड़े गए। तो ये पूछ रहा है कि इन समय से कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हम पार्टिकुलर वर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बताए थे, उसमें से स्पेसिफिक वर्ड मिल रहा है, वो है जेल। जेल क्या है, मौलिक उद्देश्य के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो जेल के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट डी जो है वो बिल्कुल ही गलत है, और जेल के पहले द का यूज नहीं होगा। तो सही करेक्ट यूज क्या है, एस्केप फ्रॉम जेल। जेल के पहले द का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कुछ स्पेशल या पार्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं, स्पेसिफिक फ्रेजेस, जिसके पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स। जैसे कि एक ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, ये सब हमेशा दिमाग में रखनी होती है ये सब बातें, ठीक है। इसलिए मैं सारा फ्रेज जो है, जो स्पेसिफिक फ्रेज है, वो सभी लिखवा दे रही हूँ। पहला है बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड,
बाय सी, बाय रोड, बाय कार, बाय बस, बाय जीप, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी वाहन है, व्हीकल्स है, वो सब हो गया, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, तो लिखा देना जो है सेफ साइड होता है, क्योंकि पता नहीं कौन से एग्जाम में आ जाए। बाय स्टीमर, स्टीमर भी एक तरह का व्हीकल ही होता है, राइट। बाय स्कूटर, नेक्स्ट क्या है, बाय बाइसाइकल, बाय मिस्टेक, ये कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स हो गए हैं जिसके पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल्स के यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आता है हम लोग का कैटेगरी बी में। कैटेगरी में बी में कौन कौन आता है, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, ये सब हमेशा हम लोग के दिमाग में रहनी चाहिए जब भी हम लोग कॉम्पिटिशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, मोस्टली इन द इंग्लिश। इन ट्रबल, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। इन कंफ्यूजन, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हेस्ट, मतलब जल्दी में है हम लोग, इन क्राइसिस, कुछ प्रॉब्लम में, कुछ मुसीबत में है, इन डिफिकल्टी, इन डाउट, इन डेप्ट, हो गया। अब कैटेगरी सी की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या वर्ड लाई करता है, वॉन, स्ट्राइक, ये हो गया, ऑन ड्यूटी, ऑन फूट, ऑन पेमेंट, पेमेंट करने पर, ऑन लीव, छुट्टी में, ऑन डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। उससे पहले हम लोग जो देखे थे वो इन डिमांड था, राइट। अभी जो देख रहे हैं हम लोग ऑन डिमांड है, मतलब ए नंबर जो फ्रेज था उसमें से सब फ्रेज जो है, सब वर्ड जो है वो बाई से था, बी नंबर में था सब इन से, सी नंबर में है सब ऑन से, ठीक है। ऑन टाइम, ऑन अर्थ, हो गया। अब कैटेगरी डी में चलता है। कैटेगरी डी ही हम लोग का फिनिश है, मतलब ये यहीं तक है। राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, बट राइट विद अ पेन और राइट विद अ पेंसिल होता है, ये भी हम बता ही देते हैं। राइट विद अ पेन या फिर राइट विद अ पेंसिल होता है, यानी कि जब भी आर्टिकल्स का यूज़ हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग इन का यूज़ ना करके विद का यूज़ करेंगे। आर्टिकल्स का यूज़ हो तब, क्या बोल रहा है, ए पेन बोल रहा है तो इसके पहले विद ए पेन हो, यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल नहीं है तो इसलिए इन लिख दिए, राइट इन पेंसिल, राइट इन इंक, तो यहाँ पे जो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, He shared that he did not feel any need to discuss the episode in detail. उन्होंने कहा कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि इस टॉपिक में हम लोग को और भी डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, राइट। तो इन सब में से जो पार्ट डी है वो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि इन डिटेल जो है वो एक फ्रेज है। ओहो, यहाँ पे द भी होगा, इन द डिटेल, राइट, दिस इज द क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग है, तो इसमें तो पार्ट डी रॉन्ग है, क्योंकि द डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इन डिटेल जो है वो एक फ्रेज है, और क्या बोल रहा है फ्रेज के अनुसार, कि इसके पहले कोई भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, इन डिटेल में, इन डिफिकल्ट में, इन डिफिकल्टी में, इन प्रॉब्लम, इन फियर, इन होप, ये सब कुछ जो हम पहले, इससे पहले बता दिए हैं, ये सब कुछ फ्रेजेज हैं जिसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो प्रॉपर यूज है वो है इन डिटेल, ना कि इन द डिटेल। नाउ आई होप कि आप लोगों को ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का यहाँ तक जो पार्ट है जो मैंने बताया है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो सब डिस्कस करेंगे इससे बेसिस पे, और जो आर्टिकल्स है वो जितना मैंने वीडियो बनाया है उन सभी पे बेसिस पे मैं क्विज टाइप का क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा इसके वाले, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे वो। और अगर आप लोगों को आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डेली नए अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।